Hello everyone, my name is Himanshy Singh of the Young Minds of Class 11th. Today I will tell you about project time. But before that, don't forget to like, share and subscribe to our Young Minds channel. So projectile is the name given to a body thrown with some initial velocity at some angle with the horizontal direction and then allowed to move in two dimensions under the action of gravity alone. So projectile क्या है? किसी भी बॉडी को अगर हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका है विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी जो ग्राउंड के साथ कोई एंगल बना रही है, जब वो बॉडी टू डायमेंशन मूव करेगी तो उस पर सिर्फ ग्रेविटी का ही इन्फ्लुएंस होगा, ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में वो गिर जाएगी. ऐसी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बुलेट फायर फ्रॉम अ गन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल और फ्री फॉल ऑफ अ स्टोन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसे हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं. अब जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मूव करता है तब उसमें दो वेलोसिटीज का कंबाइंड इफेक्ट लगता है. पहली वेलोसिटी आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और दूसरी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो, और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. ये डिपेंड करेगा हमारे मोशन पे. अगर हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कम होता रहेगा और अगर हम अलोंग द ग्रेविटी जाएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का बढ़ता रहेगा. नाउ एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. सपोज कोई बॉडी है जो ओरिजिन पे है. जब टाइम जीरो था तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया x0 = 0 एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया y0 = 0. ओ वाई डायरेक्शन में मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव ली है हमने. जब हमने उस बॉडी को प्रोजेक्ट कराया u इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही है, उस वेलोसिटी को हम जब कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा जो कांस्टेंट रहता है और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा. जब हम o से h पर जाएंगे तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, इसलिए हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हर पॉइंट पे डिक्रीज होता रहेगा और h पॉइंट पे, मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो अटेन कर सकता है प्रोजेक्टाइल वो h है यहाँ पर, तो h पॉइंट पे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा. वहाँ पे हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहेगा वेलोसिटी का जो कि है u cos थीटा. उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ही वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. नाउ आफ्टर टाइम टी द ऑब्जेक्ट हैज़ रीच्ड एट पॉइंट p. यहाँ पे उसका x कोऑर्डिनेट x हो गया एंड y कोऑर्डिनेट y. तो अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी ने कितना ट्रैवल किया टाइम टी में, तो वो हमारा हो गया x, यानी o से p तक का डिस्टेंस. उसे हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन x = x0 + uxt + 12 axt square. यहाँ पे x0 जीरो है, ux हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का विच इज u cos थीटा जो कांस्टेंट रहता है और ax हमारा इसलिए जीरो हो गया क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है एंड टाइम इज t. जब हम इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास आएगा x = u cos थीटा t. यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी x/u cos थीटा. ऐसे ही अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्टेंस निकालें जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है इन टाइम t, तो वो हो जाएगा y. y = y0 + uy t + 12 ay t square. यहाँ पे हमारा y इज द वर्टिकल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है, y0 = 0, time is t, uy is the vertical component of velocity which is u sin theta and ay is minus g क्योंकि हम against the gravity जा रहे हैं. जब हम इनकी वैल्यूज इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास आएगा y = u sin theta t - ½ g t square. अगर हम t की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालकर इक्वेशन 2 में रख दें तो y = ax square की फॉर्म में आएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगी इक्वेशन किसी भी प्रोजेक्टाइल की. 10 द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज अ पैराबोला. नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड और टोटल टाइम फॉर विच इट वॉज इन फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 टाइम्स कंसिडर करते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, एक टाइम ऑफ एसेंट और एक टाइम ऑफ डिसेंट. अगर हम O से H पर जाएंगे तो हमें उतना ही टाइम लगेगा जितना हमें H से B पर जाने पे लगेगा क्योंकि ये दोनों मोशन सिमेट्रिकल हैं. तो ओ से एच पर जाने के टाइम को हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, जो स्मॉल टी से ले डिनोट करेंगे, और एच से बी जाने के टाइम को हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे, जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल टी विच इज टाइम ऑफ लाइट, तो स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी अपॉन टू। अब अगर हम हाईएस्ट पॉइंट एच पे देखें तो हमारा वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो गया, तो वी वाई इक्वल्स टू जीरो, स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी अपॉन टू, ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे थे, एंड यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। जब हम इनकी वैल्यूज इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास आएगा स्मॉल टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और वहीं से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा कैपिटल टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से हमें पता चला कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द ग्रेविटी। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करा है अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फिगर में देखें तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने एच पॉइंट पर कवर किया है, तो एच ए उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। अब इसको भी हम इसी इक्वेशन के हेल्प से निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एच ले लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ जाएगी h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। यहाँ से हमें पता चला कि मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड के बीच में उस ऑब्जेक्ट ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करा है उसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। जैसे इस ग्राफ में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ था और पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड बी है, तो ओ बी डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी। यहाँ हम कैपिटल डी की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी पे और ग्रेविटी पे और एंगल थीटा पे। अब मैक्सिमम अगर हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो साइन टू थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और साइन की वैल्यू 1 साइन 90 पर ही होती है, तो यहाँ पे 2 थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा एंड थीटा इक्वल्स टू 45। मतलब जब थीटा 45 होगा तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी जो है यू स्क्वायर अपॉन जी। थैंक यू।